और आज जो लोग उनकी शरण में जाकर बैठे हैं, उनकी गोद में जाकर बैठे हैं, पूछिए कब कब अपमानित नहीं किया नीतीश कुमार जी ने हमारे नेता को। और आज ये अपने भाई को श्रद्धांजलि देते नहीं थक रहे, अपने भाई को याद करते नहीं थक रहे, तो इस तरीके से आप याद करेंगे अपने भाई को, उस व्यक्ति की गोद में जाकर बैठकर जिन्होंने हमारे नेता को अपमानित करने का काम किया। आप सब जानते हैं, मीडिया के लोगों ने, आप ही लोगों ने नीतीश कुमार जी से पूछा था, जब मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, वो अस्पताल में थे, जब दिन रात देश के प्रधानमंत्री फोन कर उनका हालचाल पूछ रहे थे, देश के राष्ट्रपति मुझसे बात करके उनका हालचाल पूछ रहे थे, देश का शायद ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा जिन्होंने उनका हालचाल मुझसे नहीं जाना होगा, शायद ही पक्ष विपक्ष का कोई ऐसा नेता होगा जिन्होंने उनका हालचाल मुझसे नहीं जाना होगा। तो जब एक तरफ ये तमाम देश के बड़े नेता फोन कर उनका हालचाल पूछ रहे थे, तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री जी से पूछा गया तो उनका स्पष्ट जवाब था कि मुझे तो मालूम ही नहीं है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिए एनडीए की, जिसमें इन्होंने भाजपा के साथ अपनी सीट शेयरिंग की घोषणा की थी, उसमें जब पूछा गया था तो कैसे मुस्कुराते हुए तंज कसते हुए हमारे नेता के बारे में इन्होंने कहा था कि जाकर पूछे ना रामविलास जी से, क्या अपने दो विधायकों के समर्थन से ही क्या वो राज्यसभा के सांसद बन गए हैं। उसके बाद वो प्राकरण याद कीजिए, किस तरीके से हमारे नेता को ह्यूमिलेट करने के लिए उन्होंने समर्थन देने से पहले अपने आवास पर बुलाकर उनसे मिन्नतें करवाई। मैं मौजूद था वहां पर, हमारे चाचा जी मौजूद थे, एक पुत्र होने के नाते अपने पिता का यह अपमान मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, मेरे चाचा कैसे बर्दाश्त कर गए मुझे नहीं पता, वो दृश्य उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। और उसके बाद आज वो उन्हीं की गोद में जाकर बैठे हैं जो हमारे नेता को याद तक करना जरूरी नहीं समझते। कल हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से हमारे नेता के बारे में ट्वीट किया, इतने खूबसूरत शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया उनकी जयंती पर उनको याद करते हुए, देश के गृह मंत्री ने उनको याद करते हुए खूबसूरत शब्दों का इस्तेमाल किया, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोगों, विपक्ष के लोगों, हर एक व्यक्ति ने अपने अपने कार्यालय में हो, अपने अपने ट्वीट के माध्यम से हो, प्रेस मीडिया के माध्यम से हो, हमारे नेता को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने का काम किया। पर एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने और जिनके दल ने हमारे नेता को कल याद करने का काम नहीं किया, उनका नाम है आदरणीय नीतीश कुमार जी। उनके पार्टी के एक नेता को मुझे बता दीजिए जिन्होंने हमारे नेता को याद करने का काम किया, एक ट्वीट बता दीजिए नीतीश कुमार जी का, और ये पहली बार नहीं है, इस तरीके से अपमानित करने का काम पहले भी मुख्यमंत्री करते रहे हैं। पिछले साल भी आप लोगों को याद होगा कि पूरे दिन तक नीतीश कुमार जी ने हमारे नेता को जन्मदिवस की शुभकामनाएं नहीं दी थी, हार के आखिर में शाम को 8:22 या 23 के आसपास उनका कोई ट्वीट आया था, वो भी जब भारतीय जनता पार्टी, उस वक्त सुशील मोदी जी यहाँ पर उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जब किया तो उसके बाद उनका ट्वीट आया। तो जिस व्यक्ति ने हमारे नेता को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आज उनके मरने के बाद भी उनको श्रद्धांजलि तक देना वो जरूरी नहीं समझते, तो मेरे चाचा उनकी गोद में जाकर बैठे।